फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, आप सभी का दिल से मेरी बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये देखिए कितना प्यारा कार्नेशन का फ्लावर है, खिला है मेरी बगिया में। देखिए कितना सुंदर कलर है, और मेरे पास इसके दो कलर अवेलेबल हैं। और ये देखिए ये सेट कितना प्यारा है, दिख रहा है दोस्तों? देखिए नेचर ने इसे कितना प्यारा रंग दिया है ना दोस्तों, बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोस्तों, बात करूं अगर कार्नेशन की, तो ये डाइंथस फैमिली को बिलोंग करता है। और डाइंथस से ये थोड़ी सी अलग इस प्रकार होती है कि इसके जो फ्लावर के पेटल होते हैं वो मल्टी पेटल्स होते हैं, और बंच में ये फ्लावरिंग करते हैं। और डाइंथस क्या होता है कि वो सिंगल पेटल होते हैं, और डाइंथस में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होता है, और कार्नेशन में हल्की हल्की फ्रेग्रेंस होती है। और इसकी जो खूबसूरती है ये डाइंथस से कहीं ज़्यादा होती है। और डाइंथस की लीफ थोड़ी नर्म नर्म होती है, और इसकी लीफ थोड़ी सी हार्ड होती है। और डाइंथस के लीफ का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्किश शेड लिए होता है, और इसकी लीफ की जो कलर होते हैं वो थोड़ा सा लाइट शेड का होता है, और थोड़ा सा हार्ड होता है इसका लीफ। थोड़ा सा डाइंथस थोड़ा नरम होता है लीफ, और कार्नेशन का लीफ थोड़ा सा हार्ड होता है। और मुझे डाइंथस का जो लीफ का कलर है उतना प्यारा नहीं लगता है जितना कि कार्नेशन के लीफ की कलर प्यारी लगती है। और फ्लावर तो है ही बहुत ही प्यारा, और देखिए कितना सुंदर इसका कलर सेट है। बहुत ही अलग अलग वैरायटी इसके कलर्स की आती है, और इसे कट फ्लावर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, बुके वगैरह में, पार्टियों में, शादी समारोह में। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कट फ्लावर के रूप में, क्योंकि ये इसको नीचे से जितना हम लोग इसको कट करते जाएंगे उतना ही ये बूसी होते जाता है। और मेरे पास जो ये दो कलर है दोनों ही बड़ा प्यारा है दोस्तों। और बात करूँ इसकी मिट्टी की, तो इसे बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल दीजिए, और बिल्कुल भी इसकी जड़ों में मिट्टी नहीं रुकनी चाहिए। तो इसीलिए एकदम वेल ड्रेन्ड पोरस सॉइल दीजिए, एक हिस्सा गार्डन सॉइल दीजिए, एक हिस्सा रेत दीजिए, और दो हिस्सा इसमें वर्मी कंपोस्ट का दीजिए, या अच्छी पुरानी 1 या 1.5 साल एज की हुई गोबर की खाद दीजिए। लीप कंपोस्ट भी इसको दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छा इसमें कली बनकर आ रही है, और इसकी कली भी बहुत खूबसूरत लगती है देखने में, बहुत ही प्यारा इसका कली भी लगता है। और जब ये खिलता है तो कम से कम 4-5 दिन तो इसके फ्लावर खिले रहते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और जैसे ही कलियाँ फूल सूख कर स्पेंट हो जाए तो उसे तुरंत ही हटा दीजिए, अपने प्लांट पर मत छोड़िए दोस्तों, क्योंकि फिर वो सीड बनाने लगेगा और प्लांट अपनी प्रक्रिया पूरी हो गई ऐसा समझकर फिर नई नई कलियाँ बनाना छोड़ दे। दोस्तों, कार्नेशन को अल्कलाइन सॉइल पसंद होता है, तो आप जब इसकी सॉइल बना रहे हो तो इसकी सॉइल में थोड़ा सा चूना या चौक, आप जो बच्चे स्लेट में यूज़ करते हैं चौक, वो चौक को भी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना प्लांट ख़राब हो सकता है। तो अल्कलाइन इस तरह से आप बना सकते हैं, और मिट्टी तो वेल ड्रेन ही बनाइएगा दोस्तों। बात करूँ अगर वाटरिंग की, तो कार्नेशन को मिट्टी ड्राई पसंद नहीं है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, लेकिन ऊपरी मिट्टी जब आपको ड्राई लगे तो तुरंत ही वाटरिंग कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मिट्टी को सूखने मत दीजिए, वरना फूल बहुत जल्दी स्पेंट हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि फूलों में ताजगी बनी रहे और फूल कम से कम 4-5 दिन खिले रहें, तो मिट्टी सूखने से पहले इसको वाटरिंग कर दीजिए, लेकिन ओवर वाटरिंग मत करिएगा और मिट्टी को सॉगिनेस मत बनने दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, इसको साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसे आप बाइनल प्लांट या पेरिनियल प्लांट के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं,
क्योंकि जिस प्रकार डायंथस को हम लोग सेव कर लेते हैं और बाइनल मतलब 2 साल चल जाता है डायंथस, उसी प्रकार ये सालों साल हमारे साथ रह सकता है अगर इसे प्रॉपर केयर और देखभाल करी जाए तो। क्योंकि जहाँ इस तरह से ये ऐसे तो विंटर में फ्लावरिंग करता है, लेकिन समर में हम लोग ऐसी जगह इसको प्रोवाइड कर दें जैसे बालकनी वगैरह में रख दे, सुबह की एक आध घंटे की धूप मिले, तो ये बच जाएगा और नेक्स्ट सीजन के लिए हमारे पास अवेलेबल रहेगा। और जैसे जैसे ये पुराना होते जाएगा, ये नीचे से बहुत सारा इसका ब्रांचेस फेंकते रहेगा, तो इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। और बहुत सारी कलियाँ निकल निकल कर मेरे प्लांट में आ रही है और बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट है ये, तो ज़रूर इसको अपने गार्डन में ऐड करें दोस्तों। बात करूँ अगर कार्नेशन की प्रोपगेशन की, तो 3 तरह से ये प्रोपगेट होते हैं। एक तो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, नीचे से बहुत सारे सूट्स निकलते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको डिवाइड करके अलग कर सकते हैं और न्यू प्लांट बना सकते हैं दोस्तों। और सीड से भी ये प्रोपगेट होते हैं बहुत ही ईजली, और मैंने वैसे सीड से प्रोपगेट नहीं की है, कटिंग से मैंने कार्नेशन को लगाई है और कटिंग से भी ये लग जाती है बहुत ही आसानी से, कटिंग से ये लगती है। तो एक बार आप इस प्लांट को लाएं तो बहुत सारा आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने गार्डन में, एक से अनेक बना सकते हैं दोस्तों। सनलाइट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इसको सनलाइट नहीं चाहिए, 4 से 5 घंटे की सनलाइट काफ़ी होती है। और इसको इस तरह से सनलाइट दीजिए कि सुबह की तो धूप इसे मिले पर शाम की धूप ना मिलने पाए। और देखिए ये स्पेंट हो रहा है ये फ्लावर, तो एक दिन के बाद मैं इसको हटा दूंगी ताकि सीड फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि अभी हमें सीड नहीं चाहिए। और जब सीड चाहिए होगा तभी आप सूखे फूलों को प्लांट में छोड़ें। और इसको सनलाइट की बात करूँ तो इसे सारे दिन की सनलाइट नहीं चाहिए और ना ही इसे दोपहर वाली स्कॉर्चिंग सनलाइट चाहिए। इसे सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप काफ़ी होती है और पार्शियल सनलाइट में भी ये चल जाता है। आप बालकनी में भी ये ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी ईजली बालकनी में ग्रो हो जाएगी। और इसके पास आप बैठिएगा दोस्तों तो बहुत ही भीनी भीनी इसकी खुशबू आती है, इसीलिए ये पार्टीज और शादी वगैरह में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कार्नेशन के फ्लावर। और जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत ही लगता था कि कार्नेशन ज़रूर होना चाहिए और मुझे इसकी लीफ भी बहुत पसंद है। मैं छोटी थी तो मुझे कार्नेशन इतना मतलब चाव था कि मैं ज़रूर कार्नेशन अपने गार्डन में ऐड करूँ। मेरी मम्मी जब गार्डनिंग किया करती थी, मतलब अभी भी मेरी मम्मी गार्डनिंग करती है, तो कहीं ना कहीं उनसे मैं बहुत इंस्पायरेशन ली हूँ गार्डनिंग के लिए। तो मुझे मेरी मम्मी कार्नेशन तो नहीं लगाई थी, लेकिन मुझे बहुत शौक़ रहता था कार्नेशन लगाने की। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी मम्मी को लाकर देती थी कार्नेशन के प्लांट उनको लगाने के लिए। तो इस तरह से मुझे बचपन से ही कार्नेशन बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। और मैं जब छोटी थी तो मुझे हेलीक्रिशम यानी कि पेपर फ्लावर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो दोस्तों इस तरह से इसकी केयर करिए। और पेस्ट रेसिस्टेंस की बात करूँ तो इंसेक्ट्स वगैरह की बात करूँ तो ये पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट होता है और इंसेक्ट फ्री प्लांट भी इसे कह सकते हैं। मैंने अभी तक तो कोई भी इसमें कोई भी अटैक नहीं देखी है, लेकिन कितना भी हम लोग बोले कि कोई भी प्लांट पेस्ट रेसिस्टेंट है, लेकिन फंगस वगैरह तो लग ही जाता है अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो। और मिलीबग एक ऐसा इंसेक्ट है कि लगभग हर प्लांट में लग ही जाता है दोस्तों। तो इस तरह से नीम ऑयल का छिड़काव निरंतर हम लोगों को अपनी गार्डन में करते रहना चाहिए। तो नीम ऑयल का छिड़काव बेहद ही ज़रूरी होता है दोस्तों, नीम ऑयल का छिड़काव करते रहिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच लिक्विड हैंड वॉश मिक्स करके, और थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिएगा ताकि अच्छे से वो गुनगुना पानी रहे और अच्छे से डिसॉल्व हो जाए नीम ऑयल 1 लीटर पानी में, और पूरे प्लांट में स्प्रे कर दीजिएगा। बस फूलों पर स्प्रे मत करिएगा, नहीं तो उनकी सुंदरता ख़राब हो जाएगी। और इस तरह से स्प्रे ज़रूरी है दोस्तों। और
अगर फर्टिलाइजर की बात करूँ तो इसे एक चम्मच DAP और हाफ चम्मच पोटास 2 लीटर पानी में घोलकर दे सकते हैं बीच बीच में हर 15-20 दिन में। और मेरी बगिया की एक छोटी सी लुक दिखाए बिना रहा नहीं जाता है, इतना रंग बिरंगा अभी लग रहा है और जब समर आएगा चला जाएगा तो बड़ा ही दुख लगेगा। तो इस तरह से फर्टिलाइजर दीजिए दोस्तों, एक चम्मच DAP और हाफ चम्मच पोटास 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके एक मग ऐसे पानी मिट्टी में पॉट में दे दीजिए तो काफ़ी अच्छा ब्लूम करेगा। और नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर थोड़ा कम दीजिए ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो, और पोटास और DAP दीजिए कि फुल ब्लूम करे हमारा प्लांट। तो इस तरह से केयर करें दोस्तों, मुझे जो कुछ पता था वो सब कुछ आपको बताई। और अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ ही बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों। और साथ ही दोस्तों बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल होती है कि नहीं आपकी गार्डनिंग में, ज़रूर कमेंट करें। और आपके लाइक और कमेंट से मेरा उत्साह दुगना तिगुना बढ़ जाता है दोस्तों, तो ज़रूर कमेंट किया करें। आपको जो भी प्रॉब्लम हो या कुछ सुझाव आप मुझे देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। तो अब इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।